Energy in a single harmonic motion. Both the kinetic and potential energies of the particle in a SHM varies between the zero and its maximum value. In a section 14.5, we have seen that the velocity of the particle executing SHM is in a periodic function of time. Energy p kya hoga? Periodic function of time. It is zero at a which position? Extreme position of displacement, and therefore the kinetic energy of such particle, which is defined as k equals to kya bolte hum? 1 half mv square. Now what is the v? V ko yaad kare, usse pehle x ko yaad kar lete. What is the x? A cos omega t plus phi. Now what is the v? Minus a omega sin omega t plus phi. And what is the a? Minus a omega square cos omega t plus phi. So we employed the v here. That is a omega sin omega t plus phi minus ka square kya ho jayega? Positive. A omega ka square kya hoga? A square omega square and sine ka sine square omega t plus phi. Now kabhi humne dekha tha ki m omega square equals to kya bola tha? K bola tha, to m into a omega square equals to kya bol dete hai? K. So it's a 1 half k square sine square omega t plus phi. That is nothing but which energy? Kinetic energy. Now this kinetic energy is nothing but function of time. Okay, time ke saath kya hoga? Vary hoga. And again it's a periodic function of time, not only function of time. Periodic words kab aata hai? Jab sine and cos hota hai. So being zero, when the displacement is maximum, agar displacement maximum hai, to wo kya hoga? Zero. Kyunki displacement x jo hai na, uske andar kaun sa function aata tha? Cos omega t plus phi. Cos omega t maximum kab hota hai? Jab zero ho to. Cos zero one hoga na? Cos zero equals to one. Wahi omega t plus phi ki jagah pe zero aaya. Cos ke baad omega t plus phi. Aur cos के बाद यहाँ पे जीरो, तो ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पे क्या आया? जीरो. वही यहाँ पे रख दो तो इट्स अ साइन जीरो. साइन जीरो जीरो, तो क्या आया? इट बीइंग जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होता है? जब कॉस जीरो क्या हो जाता है? वन. तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ तब जाके वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो. आया समझ में? और क्यूब क्यूब चलो तो अभी समझ में आया. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट में फंक्शन में कॉस आता है और वेलोसिटी के फंक्शन में साइन आता है. तो कॉस मैक्सिमम होता है तो साइन जीरो होता है, और कॉस जीरो होता है तो साइन मैक्सिमम होता है. जस्ट थिंक फॉर वैल्यू, अगर एंगल जीरो ले, क्या ले? जीरो. तो कॉस जीरो कितना होगा? वन. तो साइन जीरो, अगर हम साइन जीरो ले तो अगेन जीरो, मतलब कि साइन जीरो जीरो हो गया और कॉस का वैल्यू कॉस जीरो वन हो गया. बट अगर हम पाई बाई टू ले तो कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा? जीरो. बट साइन पाई बाई टू क्या हो जाएगा? वन. तो एक फंक्शन जीरो होता है तो दूसरा क्या हो जाता है? मैक्सिमम. आया समझ में? तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम देन द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल इज एट विच पोजीशन? मेन पोजीशन. दैट मींस कि उसका मिनिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है. जीरो डिस्प्लेसमेंट है, नॉट मिनिमम, जीरो डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? मैक्सिमम. जस्ट लाइक योर एक्सपीरियंस ऑन स्विंग, जब आप नीचे होते हैं ना सेंटर पार्ट में, तब मैक्सिमम एनर्जी होता है आपके पास. जैसे 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 आप एक्सट्रीम पोजिशन पे जाते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो. आया समझ में? आपका मोशन मीन वाइल स्टॉप होगा एंड देन स्टार्ट होगा, वापस स्टॉप होगा एंड देन स्टार्ट होगा. आया समझ में? सो नॉट दैट सिंस द साइन ऑफ वी इज इमेटेरियल इन अ के, द पीरियड ऑफ के इज टी बाई टू. नाउ समझते हैं इसको. के यानी काइनेटिक एनर्जी, वी स्क्वेयर कर दियो मतलब कि नेगेटिव साइन भी गया, और एनर्जी कभी अभी के लिए एनर्जी तो नेगेटिव होगा नहीं, देन तो साइन का कोई मतलब है नहीं. और उसका टाइम पीरियड कितना है? टी बाई टू. वाई इट इज अ टी बाई टू? तो डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे था, कॉस वाला था ना ग्राफ डिस्प्लेसमेंट में, वैसे था. बट योर काइनेटिक एनर्जी इज वन हाफ एम वी स्क्वेयर. अकॉर्डिंग टू दैट काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ऐसे. ओके, दैट्स माई मिस्टेक.
काइनेटिक एनर्जी में साइन फंक्शन होता है, तो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो ऐसे आया, ये जीरो हुआ तब ये मैक्सिमम हुआ, फिर ऐसे नीचे जा रहा है तो ऐसे नीचे आएगा, फिर ये जैसे मैक्सिमम हुआ वो क्या हो गया जीरो, फिर ये जीरो की ओर जा रहा है तो ये किसकी ओर जाएगा मैक्सिमम, बट नॉट सेकेंड साइन, नीचे की ओर नहीं ऊपर ही, आया समझ में, फिर जैसे मैक्सिमम हुआ वो क्या हो जाएगा जीरो। तो इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, आया ना, तब उसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, टू, और दो ऑसिलेशन कंप्लीट किए यानी टाइम पीरियड क्या हो गया, हाफ हो गया, क्या हो गया, हाफ। ओके, तो टाइम पीरियड इज डिवाइडेड बाय टू। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एक्सिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां तक काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, नाउ अब कौन से एनर्जी पे शिफ्ट करते हैं, पोटेंशियल। सो इन द चैप्टर नंबर 6 वी हैव सीन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल ओनली फॉर अ विच फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, एंड द स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दैट स्प्रिंग फोर्स दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स विद एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल्स यू इक्वल्स टू क्या था, वन हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एक्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन हाफ के एक्स स्क्वायर, आया ना, एंड दैट एक्स इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो अगर उसका स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, यू इक्वल्स टू वन हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो वॉट, पीरियडिक विद द टाइम पीरियड इक्वल्स टू हाउ मच, डिवाइडिंग अगेन इसमें स्क्वायर आ गया, आया ना, तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कॉस वाला फंक्शन चलता, आया ना, तो इसमें भी कॉस वाला ही होता क्योंकि इसमें भी कॉस ही है ना, मतलब मैक्सिमम तो यहाँ पे भी क्या था, मैक्सिमम यहाँ तक जीरो तो यहाँ पे जीरो, बट ये फिर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, बट यहाँ पे तो क्या हो गया, स्क्वायर है, क्या हो गया, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऐसा, बराबर। फिर वापस से पॉजिटिव के लिए अगेन ऐसे, ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अगेन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम सेकंड साइन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, आया समझ में। इसने एक सर्कल कंप्लीट, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तब तक इसके यहाँ से ले यहाँ तक एक और यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, दो, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, क्या डबल हो गया, फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल देन टाइम पीरियड इज हाफ, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इट्स बीइंग जीरो एट द मेन पोजीशन, देखो मेन पोजीशन ये वाला है, डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे जीरो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो इट बीइंग जीरो एट अ विच पोजीशन, मेन पोजीशन, एंड इट्स अ मैक्सिमम एट विच पोजीशन, एक्सट्रीम, आया समझ में, तो देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम, जस्ट ऑपोजिट टू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, हेंस द इट फॉलोज फ्रॉम द इक्वेशन दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, 1 बाय 2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, 1 बाय 2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, दोनों हमने इंडिविजुअली ये दो इक्वेशन में फाइंड आउट किया है, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, वन हाफ के स्क्वायर, वन हाफ के स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, फॉर्मूला याद आया मैथमेटिक्स का, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट इज नथिंग बट यूनिटी 1, एंड दैट्स व्हाई ई इक्वल्स टू, तो दिस इज द टोटल एनर्जी, इन टोटल एनर्जी फॉर्मूला, इफ देयर इज देयर एक्स एनी एक्स इज देयर एनी टी, that means ki total energy remain constant, it does not depend on position, it does not depend on time, it's a 1 half k square only, so the total energy mechanical energy of the harmonic oscillator thus independent of the time as accepted for the motion under the which force, conservative force ka main tha na energy conservation law, main property pata hai, usme total energy depends rehta nahi hai time pe, the time is a time and the displacement depends on the potential, the time and displacement depends of the potential and kinetic energy of a linear simple harmonic oscillator are shown in the figure, to jo maine abhi individual graph draw kiye the dono energy ke liye wo dono graph yahan pe join draw kiye gaye sath mein, kinetic energy ka graph sine wala tha, zero se start hoga fir kaha jayega maximum wapas kaha jayega zero, ek oscillation t by 2 mein complete karega, energy ka koi bhi oscillation t by 2 mein complete ho jayega, fir wapas
मैक्सिमम वापस जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी का कहां से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू मैक्सिमम, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, आया समझ में, एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी, बट अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो दोनों का टाइम पीरियड क्या है, हाफ है, क्लियर हुआ, वो हमने आगे कंक्लूड किया। नाउ यू कैन सी दैट अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो देन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, बट द समेशन ऑफ बोथ दैट इज कॉन्स्टेंट, दिस इज द लाइन ऑफ हीटिंग, टोटल एनर्जी, आया समझ में, ई इक्वल्स टू के ऑफ टी प्लस वी ऑफ टी, दैट इज द कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिक्स हो गया ना ये वैल्यू, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ई डज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ओके, इन द मोशन इन अ पर्टिकुलर टाइम, सपोज फॉर दिस वन टाइम, ये टाइम ले लेते हैं, द समेशन ऑफ दिस टू एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का समेशन ऑलवेज यहाँ पे आएगा, दैट इज नथिंग बट विच एनर्जी, टोटल एनर्जी, आया समझ में, पर्टिकुलर टाइम पे आपको पोजिशन के रिस्पेक्ट में बताया गया, पोजिशन आपका जीरो यानी मीन पोजिशन, मीन पोजिशन पे कौन सा एनर्जी ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, जीरो, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब जैसे जैसे एक्सट्रीम की ओर जाते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज, चाहे आप इस साइड जाओ तो भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज, आया समझ में, ये राइट हैंड साइड का एक्सट्रीम पोजिशन हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड का, दैट्स व्हाई इट्स अ माइनस है, दिस इज अ प्लस, बोलो कोई डाउट, ऑब्जर्व दैट बोथ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द एसएचएम आर सीन टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों एनर्जी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, होते हैं, क्यों, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी का चांस है नेगेटिव होने वाला, लेकिन वो तो कंजर्वेटिव फील्ड्स में, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अभी तो हम किसके लिए बात करें, मोशन, ओके, तो उसमें ज्यादा नेगेटिव की चांस नहीं है, और नेगेटिव होता है, दैट नेगेटिव डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, किस पे ऊपर डिपेंड्स है, रेफरेंसेस पे, जब हम किसी फील्ड के साथ वर्क करते हैं ना, तो हम वो फील्ड का रेफरेंस क्यों लेते, क्या लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उस पर डिपेंड्स है, तब जाके वो नेगेटिव होता है, आया समझ में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने वो बताया था आपको इलस्ट्रेशन, ऐसे टेबल से फिर वही ऐसे हाइट किया था, फिर मैं वही हाथ विंडो के बाहर निकाल के दूं, तो हर वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, चेंज, क्योंकि हर वक्त आपका क्या चेंज हो रहा है, रेफरेंस, सो व्हेन हम कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते, ऑलवेज हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो दैट h इज द हाइट फ्रॉम द टेबल डेस्क, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ mgh है, देन दैट हाइट इज फ्रॉम द फ्लोर, आया समझ में, तो माय रेफरेंस में मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा हूँ, और वहां से मुझे जो एनर्जी मिला दैट इज माय एनर्जी, आया समझ में, तो हम एक रेफरेंस पे स्पेसिफाई रहते हैं, डिपेंड्स रहते हैं, सो इन द फिगर सॉरी काइनेटिक एनर्जी कैन ऑफ कोर्स बी नेवर नेगेटिव सिंस इट इज द प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, वन हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो कभी नेगेटिव होने वाला नहीं था, शायद स्पीड नेगेटिव हो सकता है, और वो भी कब नेगेटिव हो सकता है, जब हम वेक्टर के साथ कंसीडर करें, बाकी तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही है ना, और वैसे भी चलो नेगेटिव साइन होता तो भी उसका स्क्वायर है, आंसर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव बाय द चॉइस ऑफ अंडरमाइंड सॉरी अंडरमाइंड एंड कॉन्स्टेंट इन अ पोटेंशियल एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, ऐसा रेफरेंस का चॉइस किया या कॉन्स्टेंट लिया, दैट कैन मेक द दैट पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलरेडी भी कंप्लीटेड, तो पता है ग्रेविटेशनल फील्ड में हम W1 लेते थे, V1 लेते थे, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, अर्थ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, जीरो, फिर वो W1 W2 लेते थे, कट हो जाता था, कॉन्स्टेंट लेते थे, ग्रेविटेशन वाला रिफाइन करना, तो हम जो अंडरमाइंड कॉन्स्टेंट ले रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला है, जीरो मिला है। Both the kinetic energy and potential energy has a peak twice during the each period of SHM. दो बार, क्योंकि अभी हमने कंक्लूड किया था कि डिस्प्लेसमेंट के फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना है, टू टाइम्स है, टाइम पीरियड हाफ है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, टू टाइम्स, यानी कि ईच ऑसिलेशंस दोनों कितनी बार मैक्सिमम हो गए, दो बार, और दोनों कितनी बार जीरो हो गए, टू टाइम्स। फॉर x इक्वल टू जीरो द एनर्जी इज अ काइनेटिक एंड That exhibits,
For x equals to 0, the energy is kinetic. X equals to 0 यानी which position? Main position. और main position में सिर्फ कौन सा energy दिखेगा? Kinetic. और potential energy कितना हो जाएगा? 0. And extreme positions like plus A, minus A, it is all potential energy. But extreme position पे जाओ तो कौन सा energy? 0. Kinetic energy. कौन सा energy दिखेगा? Potential energy. Due to the potential energy वो main position पे आएगा? Potential energy 0. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ जाएगा मेन पोजीशन पे जाएगा वापस मेन पोजीशन से सही मैं सही एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन से ओके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऐसा कन्वर्जेंस होता जाएगा इन द कोर्स ऑफ मोशन बिटवीन दीज टू लिमिट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ द विच एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या तो फिर वाइस वर्सा पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बोलो आया सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में ओके अ ब्लॉक हुज मास इज हाउ मच केजी 1 kg दैट इज फास्टेड टू अ स्प्रिंग द स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दैट इज के द ब्लॉक इज पुल्ड अप टू डिस्टेंस 10 cm यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस ए क्या हुआ 10 cm फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम दैट इज एट एक्स इक्वल्स टू 0 ऑन द फ्रिक्शनल लेस सर्फेस फ्रॉम द रेस्ट एट अ विच टाइम टी इक्वल्स टू 0 टाइम कैलकुलेट द काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जीज ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज अ 5 cm अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन 10 cm जो है दैट इज योर मैक्सिमम पोजिशन दैट इज द एम्पलीट्यूड ए अब इन बिटवीन वो कहाँ पे है 5 cm पे तो उस 5 cm पे आपको क्या फाइंड करना है उसका हर एक एनर्जी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी तो दोनों के फॉर्मूला है आपके पास तो सिंपल सबसे पहले तो आपको दिया क्या गया है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट तो अभी हमने ऐसा निकाला था ना एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोलते थे के तो वहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम तो ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट के बाय एम के स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है 50 न्यूटन पर मीटर लिखने की जरूरत नहीं है और मास कितना दिया गया 1 kg दिया है ना दैट इज द मास तो ये मास हो गया ए के हो गया तो एम अपन के सॉरी के अपन एम दैट मीन्स 50/1 50 आएगा 50 का अंडर रूट निकालोगे तो 7.07 रेडियन पर सेकेंड नाउ डिस्प्लेसमेंट पहले ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट ऑफ एट एनी टाइम एक्स इक्वल्स टू विच फॉर्मूला वी हैव ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 तो अभी मैंने बताया कि ए इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है 10 cm 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 meter एंड ओमेगा इक्वल्स टू आपको मिला 7.07 रेडियन पर सेकेंड और 5 इनिशियल फेज के लिए वी हैव नो इन्फॉर्मेशन दैट्स व्हाई इट्स अ 0 रेडियन आया समझ में तो फाइव तो निकल ही जाएगा और ओमेगा का वैल्यू क्या है 7.07 टी का वैल्यू टी ए का वैल्यू 0.1 क्लियर नाउ अभी हमें पता लगाना है टाइम क्या है टाइम किस लिए चाहिए क्योंकि आप देखो के का फॉर्मूला हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी का हो साइन ओमेगा टी आएगा और कॉस ओमेगा टी आएगा तो व्हाट वी रिक्वायर टाइम चाहिए ना तो टाइम लाने के लिए क्या दिया गया है हिंट दिया गया है व्हाट इज दैट हिंट पोजीशन कितना सेंटीमीटर है 5 cm तो डिस्प्लेसमेंट में x की जगह पे क्या रखा 5 cm क्या रखा 5 तो x इक्वल्स टू 5 cm दैट इज 0.05 meter तो x की जगह पे 0.05 रखा दिस इज 0.1 बाकी का कॉपी करना है क्लियर नाउ क्या होगा ए 0.1 डिवीजन में जाएगा तो व्हेन यू डिवाइड 0.05 विद 0.1 यू विल गेट 0.5 आया समझ में आता आया ना ओके फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो कैरी ऑन कैरी फॉर दिस वन कॉस 7.07 टी इक्वल्स टू 1/2 क्या होगा 1/2 होगा ओके एक काम करते अंदर का ही मेथड यूज करते वैसे मैं 1/2 करके cos 60 पे ले जाता cos 60 इक्वल्स टू 1/2 तो ये 7.07 टी इक्वल्स टू क्या आता 60 डिग्री अगर आप यहाँ पे साइन के अंदर साइन 60 रखोगे तो क्या आंसर हो जाएगा रूट 3/2 बट डू वन थिंग आपको थीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है एज वी नो दैट कि साइन स्क्वायर 7.07 टी इक्वल्स टू
1 माइनस cos स्क्वायर 7.070, विच फॉर्म्यूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर, ओके, चलो 1 माइनस, इसका तो वैल्यू है ना हमारे पास, हाउ मच, 0.5 स्क्वायर, तो व्हाट इज दैट, 0.75 आएगा, इसका 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25, और 1 माइनस 0.25, यू विल गेट, एंड देयरफॉर मुझे तो सिर्फ साइन चाहिए, साइन 7.07t, तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, 0.866, आया समझ में, आया ना, देन सिंपल से वैल्यू निकाल, अब सिर्फ फॉर्मूला रखने हैं, पहले मुझे, अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सीधा याद नहीं आता, मुझे याद है 1/2 ka² sin² ओमेगा टी प्लस 5, सिंपल याद है कि नहीं, अभी पढ़ा, बट इन एग्जामिनेशन हॉल सपोज आप भूल गए, तो काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्मूला जो आपको नींद में से भी उठा के पूछो तो आएगा, दैट इज 1/2 mv², ओके, तो स्टेप इज दैट मुझे वी स्क्वायर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वी स्क्वायर, तो फॉर दैट वी फाइंड करना पड़ेगा, तो वी इक्वल्स टू व्हाट, ए ओमेगा, ओके, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके, बट 5 तो क्या लेना है, 0 लेना है, ओके, तो सिंपल क्या होगा, माइनस ए, ए कितना था, 0.1, वी इक्वल्स टू 0.1 ओमेगा, ओमेगा कितना है, 7.07 साइन 7.07t प्लस 5 कितना है, 0, अब 0.1 आ गया, 0.1 7.07, और इसका वैल्यू हमने पीछे फाइंड किया था, याद है ना, ओके, ये सब का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 0.61, उसके बाद तो सिंपल है, 1/2 mv², 1/2 m कितना था, 1 kg, kg लिखने की जरूरत नहीं है, v यू विल गेट 0.61, एक्चुअली में आगे करोगे तो 2-3 भी होगा, देखोगे ना, तो 0.23, उसके बाद 2-2 हो तो आगे एक नंबर होगा 6, तो उसके जगह पे 2-3 हो गया, आया समझ में, तो 0.6123 पूरा लिया, उसका स्क्वायर, यूनिट लिखने की जरूरत, अब इसका स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, यू विल गेट 0.19 जूल, क्या मिलेगा आपको, 0.19 जूल, आया समझ में, आया ना, और पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी सिंपल, उसके लिए वापस आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं करना है, 1/2 ka² cos² ओमेगा टी प्लस 5 नहीं करना है, उससे अच्छा 1/2 kx², क्योंकि ऑलरेडी वी फाइंड आउट x, x ऑलरेडी हमें पता है 0.5, सॉरी 5 सेंटीमीटर यानी 0.05, आया समझ में, तो x ऑलरेडी वी नो, k ऑलरेडी वी नो, तो फिर वो cos वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट सिंपली kx², 1/2 k का वैल्यू 50, और दिस इज x, x यानी हमने कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर, तो 0.05, 0.05 ट्वाइस, तीनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 2, यू विल गेट 0.0625 जूल, आया समझ में, नाउ द टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करेंगे हम तो दोनों का समेशन, अप साइड था 0.19 और ये है 0.0625, कितना हो गया, 0.25, आया समझ में, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का दूसरा भी तरीका है, दैट इज 1/2 ka² 1/2, सॉरी मैं मिस्टेक, टोटल एनर्जी फाइंड करने का दूसरा तरीका 1/2 ka² 1/2 k कितना है, 50, a कितना है, 10, 10 यानी 0.1, आया समझ में, तो देखो हो गया हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, 1/2 ka² भी है और पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल कहने कहने के किया तो भी कितना है, 0.25 जूल, बोलो कोई डाउट आया ना, उन्होंने वैसा भी किया हुआ है नीचे, वी नो दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी इज 0, हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी, एंड देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऐसा करके वापस किया है 1/2 ka², 1/2 हो गया, एक a हो गया और एक a हो गया, विच इज सेम एज द सम ऑफ टू एनर्जी एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द कन्फर्मिटी विद द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनडायरेक्टली हमने वही अप्लाई किया ना कि मीन पोजिशन पे वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोजिशन ही 0 है, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जैसे 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 काइनेटिक एनर्जी कम होगा वैसे कौन सा एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल, वापस एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी 0, सॉरी माय मिस्टेक, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जैसे 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 पोटेंशियल एनर्जी कम होगा मीन पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, आई समझ, दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली कन्फर्मिटी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बोलो कोई डाउट है ना।